देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है। राहुल गांधी जी सॉरी राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से मंगलवार को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी और सदन से माफी मांगने की मांग रखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर कायम रहे। प्लीज, जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनसे माफी की मांग करता हूँ। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। इस दौरान लोकसभा में भी खड़गे के बयान पर हंगामा हुआ और कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे को रबर स्टैंप अध्यक्ष करार दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एक गंदी सोच का एक उनका ये दिखाता है। देखिए, कोई गतिरोध नहीं है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता विरोधी दल से भाजपा का नेता ये कह रहा है ये माफी मांगे? आजादी की लड़ाई में जिस समय भाजपा तो थी नहीं, इसके जो पारिवारिक संगठन थे वो तो अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए लिखित पत्र लिख रहे थे। यही नहीं, किसका संदर्भ दे रहे हैं आप? सबको मालूम है संदर्भ, जो इनका मात्र संगठन है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और वो स्वीकार करते हैं इस बात को, कोई इनकार भी नहीं करते हैं। तो जो अंग्रेजों के साथ थे और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हों देश की आज़ादी के लिए, उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। हम इस पर कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के मसले पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच अब खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र, जो पहले 29 दिसंबर को खत्म होने वाला था, अब समय से 4 दिन पहले इसी शुक्रवार को साइन डाई किया जा सकता है। संसद भवन से अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।